आत्मिरांभस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्री मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है, लोग क्यों तीर्थ जाते हैं हमारे भारत, विशेष करके हमारे भारत में लोगों का जो धारणा है, लोग तीर्थ क्यों जाते हैं? बोले अपना पाप को धोने के लिए। जिंदगी भर हमने जो पाप की है, अगर हम तीर्थ जाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएगा और तीर्थ जाने से हमें मुक्ति भी मिलेगा। साधारण लोगों का ये धारणा है, इसलिए प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं। भक्त भगवान रे विहार स्थल ही तीर्थ। तीर्थ कहते किसको? कहते जहाँ पर भक्त और भगवान का विहार स्थली वही तीर्थ। जैसे वृंदावन धाम है, तीर्थ है। भगवान कृष्ण जहाँ पर आए, अयोध्या तीर्थ है। जहाँ पर भगवान राम आए, जगन्नाथपुरी तीर्थ है। जहाँ पर साक्षात श्री जगन्नाथ जी है, केवल जगन्नाथ नहीं, उनका भक्तों का स्थली भी तीर्थ है। जैसे वृंदावन में समस्त गोप गोपियों का स्थान है। नवद्वीप धाम महाप्रभु का, जितने परिकरों का विहार स्थली, जगन्नाथपुरी भी जितने भक्तों का विहार स्थली। कहते तीर्थ उसको कहते हैं जहाँ पर भगवान और भक्तों का क्रीड़ा भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। सुकृतिमंत भक्त जनगण भक्त संग भक्त सेवा तत्फले भगवान रे सेवा लाभेर जन्न तीर्थ करें। क्या दो तरह का व्यक्ति होते हैं? एक होता है सुकृति संपन्न व्यक्ति और एक होता है जिनका सुकृति है ही नहीं।
लेकिन जो सुकृति संपन्न व्यक्ति वो तीर्थ क्यों जाते हैं? बोले इसलिए जाते हैं जनगण भक्त संग, वहाँ पर जाने से भक्तों का संग मिलेगा और भगवान का सेवा लाभ इसलिए जाते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले ए मन तू तीर्थ सदा रत। अब देख लेना हमारे मन क्या चाहता है, हर समय हम तीर्थ करना चाहते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया कहते ये जितने सारे तीर्थ है कहते सब के सब हमारे हैं, सब लोग चाहते तीर्थ यात्रा करना हैं, कल इसलिए तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तुम्ही चाहो भ्रमी बारे ए सकल बारे बारे मुक्ति लाभ करिवार करे, इसलिए तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति है तीर्थ यात्रा करने से हमें संसार से मुक्ति मिल जाएगा, लोगों का अंदर में ये भावना बैठा हुआ है। लेकिन इसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अरे नहीं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनर भ्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। जो लोग आप समझ रहे हो तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा, इसलिए तुम्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी, कहते ये तुम्हारी मन का भ्रम है, है? तीर्थ का यात्रा करने से मुक्ति मिली इक्सल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम, जो परिश्रम बेकार तीर्थ यात्रा है। बोले चित्त स्थिर तीर्थ नहीं कर, तीर्थ भ्रमण करने से चित्त स्थिर नहीं होता है, बल्कि देखना चित्त और भी चंचल हो जाता है। अरे अयोध्या गया अभी तो मथुरा गया है, मथुरा गया अभी तो द्वारका ही नहीं गया, अरे द्वारका गया अभी तो जगन्नाथपुरी गए ही नहीं, जगन्नाथपुरी गया अभी तो प्रयाग ही नहीं गया। आप देखना मन को अंदर में अब जितने तीर्थ जाओ उतना और घूमने का इच्छा करता है। तुम ही चाहो भ्रमी बारे ऐसा कल बारे बारे मुक्ति लाभ गरीबार करे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन शास्त्र में बताया तीर्थ करो, शास्त्र तो बताता है ना भैया तीर्थ जानी चाहिए तीर्थ जानी चाहिए। बोले इसका असली रहस्य क्या है, तीर्थ जाने का असली रहस्य क्या है? बोले तीर्थ यात्रा इसलिए करने के लिए बताए तीर्थ में भक्त लोग रहते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरव आमी प्रणयी भक्त संगे। कहते भगवान ने जहाँ जहाँ लीला की है, जहाँ जहाँ लीला की है, कहते कैसे भ्रमण करनी चाहिए, कहते भक्तों का अनुगत्य में, कहते संतों का अनुगत्य में तीर्थ दर्शन करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आँखों से तीर्थ दर्शन मत करो, तीर्थ दर्शन करना कर तो कैसे, बोले कानों से। बोले मतलब क्या है, मतलब क्या, जैसे आप वृंदावन जाओगे, एक समय वृंदावन में कुछ भक्त लोग बंगाल से आए थे, बुरा था वृंदावन धाम है, कृष्ण जहाँ पर यमुना में विलास करते हैं, हैं जहाँ पर भूमि चिंतामणि, जहाँ पर वृक्ष सबके सब कल्प वृक्ष है, जहाँ पर पानी अमृत है, जहाँ पर चलने पर लगता है जैसे सख्यात कोई नृत्य कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ बोलो तो लगता है जैसे भगवान कोई सुंदर कीर्तन करते हैं। उन्होंने बड़ी वृंदावन धाम की महिमा को सुन करके आए थे, लेकिन ये कुछ साल पहले के बात है। लेकिन जब वो वृंदावन में आए ना, उनको मैंने दर्शन कराने के लिए ले गया, ले गया तो आप लोग देखे होंगे नाली बह रहे हैं वृंदावन में, पहले तो बहुत सुअरियाँ घूमती थी और बंदर तो चश्मा उतार कर ले जाते हैं, अभी पर्स भी ले जाते हैं निकाल करके, और जब तक वो फ्रूटी नहीं दोगे तब तक तुम्हारी हाँ पर्स और तुम्हारी। तब उन्होंने जब वृंदावन धाम में आए देखा बंदरों का उत्पात, रास्ता में हैं नाली बह रहे हैं, सेवा कुंज का देख रहे नाली बह रहे, ये सब चीज़ को देख करके ना उनका मन तो खराब हो गया। अरे ये वृंदावन धाम है, फिर पंडाओं को बड़ा उत्पात है, हैं? लेकिन चूंकि मैंने इनको ले गया था दर्शन के लिए, लेकिन मैंने जब उनको बैठा करके वृंदावन धाम की महिमा सुनाई, मतलब देखो
इन्हीं आंखों से वृंदावन धाम को हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो वृंदावन अभी दर्शन कर रहे हैं आंखों से, ये हमारे आंखों के ऊपर में के माया की पर्दा डाला हुआ है, हैं? लेकिन जब कृपा करके माया ये आंखों का पर्दा को हटाएगा, फिर तो वृंदावन की चिन्मय तो वृंदावन का अपराकृत तो तभी दर्शन होगा। इन्हीं आंखों से हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने जब उनको समझाया, हरि कथा बोले, उनका मन थोड़ी सी खुश तो हुआ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जो भक्त लोग जो वृंदावन धाम जाते हैं, इसलिए जाते हैं, बोले वृंदावन में भक्त लोग रहते हैं, वैष्णव लोग रहते हैं, उनको साथ में हरि कथा सुनने को मिलेगा। इसलिए तीर्थ फल साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर, भक्तों को साथ में हरि कथा सुनो, हैं? इसलिए उनकी साथ में अंतरंग बात करो, ये तीर्थ का असली फल है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे तीर्थ है वैष्णव नाही से तीर्थ ते नाही जाई, किला व हटिया दूरदेश। कहते जिस तीर्थ में जाने से वैष्णव का संग हमें नहीं मिलेगा, हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, भैया इतना दूर चल चल कर क्या लाभ है, केवल पैसा पैसा खर्चा होगा, प्यार दर्द होगा, हैं? प्यार दर्द होगा। साधारण लोग देखना वृंदावन में क्यों जाते हैं, अरे वहाँ बड़ी सुंदर टिकिया मिलता है, और वहाँ पर एक ग्लास लस्सी पी लो ना, है बढ़िया, क्या लस्सी क्या टिकिया, गोलगप्पे और दही बड़ा बड़ी सुंदर मिलता है। बांके भी आज दर्शन किया, बस दही बड़े और गोलगप्पे लस्सी पिए और वापस आ गए, बस बड़ा सुंदर वृंदावन धाम दर्शन हो गए। लेकिन जो दर्शन किया है, क्या तुम्हारी चित्त का कोई परिवर्तन हुआ है? क्या तुमने सिगरेट पीना छोड़े, दारू पीना छोड़ा? क्या तुमने हरि नाम किया, ना प्याज लहसुन छोड़ा, ना मांस मछली तुमने छोड़ा? कुछ नहीं, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। कहते ये तीर्थ जाना, इसको तीर्थ जाना नहीं कहते हैं। लेकिन जब हम वैष्णव का संग में जाएंगे, जब कथा सुनेंगे, तभी हमारी हृदय तभी परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो अगर ठाकुर जी कभी दर्शन करते करते अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो बांके बिहारी, अगर उनको पूछो, अगर बांके बिहारी अगर कभी हमें वरदान देंगे, बोले जाओ मेरे भक्तों के पास, मेरे भक्तों को, लास्ट में बांके बिहारी बोलेंगे, मेरे भक्त संग करो, अगर जिसको ऊपर में ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी ना, बोले भैया मेरे भक्त तुम्हारा कुछ सुधारेंगे ना, हैं? जो सुधारेंगे वो साधु ही तुम्हें सुधारेंगे, मैं नहीं सुधार पाऊंगा तुमको। इसलिए अभी तक जिन जिनियों का कल्याण हुआ, अगर हम जीवन में देखेंगे तो संत ही जीव को सुधारे, भगवान भी कभी संतुष्ट हो गए तो, अगर भक्त लोग बोले, अगर भगवान बोले भक्तों को वरदान मांगो, क्या कहते हैं, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो, बोले क्यों, बोले भक्तों को साथ में हरि कथा सुने, तुम्हारी हरि कथाओं को सुने। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भक्त लोग इसलिए वृंदावन धाम जाते हैं क्योंकि वहाँ भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, ठाकुर दर्शन नहीं, भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों का संग में ही हमारी कल्याण है। भक्त सेवा, भक्तों का संग और भक्तों का सेवा, उसको द्वारा क्या होगा, भगवान रे सेवा लाभेर जन्नत तीर्थ यात्रा करें, और भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए ही भक्त लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन ये पापी लोग गण, ये तो भक्त लोगों का हो गया, लेकिन ये पापी क्यों जाते हैं तीर्थ करने के लिए? पापी लोग गण पाप प्रवृत्ति प्रबला रेखे, सामयिक की पाप प्रखालन और जड़ प्रतिष्ठा और जन जन तीर्थ गमन करें। लेकिन ये पापी लोग किस लिए जाते हैं, वृंदावन धाम चलो, हैं? यमुना में नहा करके सारे पाप को छोड़ा है, बोले चलो हरिद्वार जाएंगे, बोले क्यों, गंगा स्नान करेंगे और गंगा में नहा करके सारे पाप को छोड़ करके चले आएंगे, हैं?
इसलिए हमारे एक संत उदाहरण देते हैं। कभी कभी देखना, जब किसी गैया को ऊपर में बड़े बड़े कीड़े होते हैं, जैसे मक्खी होता है ना, जब उनको काटते हैं वो गैया पानी में प्रवेश कर जाता है। अब देखना, जितना अंग पानी में प्रवेश करता है वो जो मक्खी जो बैठे हुए होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ कर उसका पेट के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर जब पेट पानी में डूब जाएगा ना, फिर मक्खी कहाँ पर आ जाएंगे, पीठ पर आ जाएंगे। जब पीठ पानी में डूब जाएगा, सर बाकी रहेगा, उसको सर के ऊपर बैठ जाएंगे। लेकिन जब सर को डुबा देगा, फिर मक्खी क्या करेंगे, ऊपर घूमते रहेंगे। लेकिन फिर जब वो गैया ऊपर आएगा ना, फिर उसको ऊपर बैठेगी। कहते उसी तरह कहते हैं, जैसे गंगा में स्नान किया, जितना अंग गंगा को अंदर में डूबा उतना ऊपर में पाप ऊपर उठते हुए आया, पाप ऊपर उठते आता है। करते 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 पूरा जब शरीर गंगा पानी में डूब जाती है, जो पाप है ऊपर घूमते रहती है, फिर जो ऊपर निकलते ना, फिर पाप झट तुम्हारी सर पर बैठेगा। मतलब क्या है, क्या गंगा नहाने से तुम्हारी हृदय में पाप करने का वृत्ति खत्म हुआ है? फिर वही घर में अगर झूठ बेईमानी करना, सास बहू में चुगली, लड़ाई झगड़ा, फिर जितने सारे पाप, लोग क्या करेंगे, तेल में घी में चर्बी मिला देंगे, नहीं तो दाल में कंकड़ मिला देंगे, खूब बेचेंगे, पाप करेंगे। नहीं तो झूठ बेईमानी करके पाप किया, फिर क्या क्या करेंगे, जाकर कबूतर को थोड़ा दाना खिला दिया, नहीं तो जो गरीब लोग बैठे हुए थे उनको थोड़ी सी दान दक्षिणा दे दिया, फिर दूसरे दिन क्या करेगा, फिर वही पाप करना शुरू कर देगा, फिर वही पाप करना शुरू कर देगा। इसलिए प्रभुपाद कहते, जो पापी लोग इसलिए जाते तीर्थ में थोड़ी समय के लिए, थोड़ी सी पाप को धोने के लिए, लेकिन जब फिर घर में आते हैं, फिर हृदय में फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भक्त लोग जो जाते हैं तीर्थ में, भक्तों का संग करने के लिए, वैष्णव का संग करने के लिए, उनसे हरि कथा सुन करके अपना हृदय में जो पाप है उसको धोने के लिए। लेकिन जब भक्तों का संग में हम हरि कथा श्रवण करेंगे, तभी हमारी हृदय की जो पाप करने का जो वासना है, जो वृत्ति है, तभी जा करके नष्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जड़ प्रतिष्ठा और जन्म जन तीर्थ गमन करे। सारे तीर्थ घूम करके आएंगे, बोले कहाँ कहाँ गए, बोले हमारी मुक्ति पूरा हो गई। बोले कैसे मुक्ति हो गई, बोले सारे तीर्थ हमने घूम करके आ गए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, द्वारावती, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे तीर्थ हमने घूम गया, कोई बाकी नहीं छोड़ा। लोगों के सामने बोलेंगे हम तीर्थ, लेकिन शास्त्र कहता है तुम कहीं भी नहीं गए, घर में बैठे। भागवत कहता है, पंचम स्कंध में कह रहे हैं, षष्ठ स्कंध में, तुम कहीं नहीं गए, वो दिख रहा था तुम जैसे बाहर सब तीर्थ घूम करके आए, कहते तुम कहीं नहीं गए, घर में बैठे तुम। बोले कैसे, एक उदाहरण देकर समझाया। आप देखना, जैसे बांस का जंगल है, बांस का जंगल को गर्मी का समय पर काट देते हैं, ऊपर तक पेड़ को सब काट दिया, लेकिन क्या, और उस वहाँ पर जो पत्ते फते रहते हैं उसमें आग लगा देते हैं, ऊपर से क्या लगा, पूरा बांस पेड़ को काट दिया और जो पत्ते फते में आग सब खत्म हो गया। अब देखना, फिर जब श्रावण का महीना आती है ना, फिर जब श्रावण का महीना आती है, अब देखना जब फिर पानी गिरता है ना, फिर जितना बांस का जंगल था, आप देखना उससे और ज़्यादा जंगल होकर निकलता है। लेकिन ऊपर से क्या दिख रहा था, हमने जंगल को काट दिया, लेकिन उसका जड़ कहीं नहीं गया, वो जड़ अंदर में था, उसका जड़ अंदर में था, लेकिन जब बरसात तो हुई ना, फिर दोबारा जैसे को जंगल को बरसू गया। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कि हाथी, अब हाथी को तालाब में उतार करके बढ़िया से मल मल करके उसको स्नान कर लो, हैं, स्नान कर लो, लेकिन ये हाथी का स्वभाव है, जब फिर पानी से उठेगा सबसे पहले वो ढूंढेगा धूल कहाँ पर, अगर धूल नहीं होगा ना
फिर अपना प्यार में रोंद करके फिर धूल बनाएगा और धूल को लेकर फर करके सारा शरीर में लगा करके फिर हाथी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है ऊपर ऊपर से हमने तीर्थक किया तो, लेकिन घर में जब घर में वापस आएंगे वही सास बहुत चुगली, वही निंदा, वही झूठ, वही बेईमानी, फिर दोबारा पाप करना शुरू करते। पर क्या हुआ, जैसे हाथी को स्नान कराने पर वो थोड़ी समय के लिए तो पवित्र हुआ, लेकिन उसको बाद में जैसे तैसे गया। इसलिए कहते भैया, लेकिन जब तुम साधु संग करोगे ना, जब तुम संतों का संग करोगे भैया, वही लोग तुम्हारी हृदय को सुधार सकते हैं। वे समझाएंगे भैया जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन मिला, 84 लाख जन्म को बाद में इधर उधर की बात में समय को मत बिताओ, समय मिले तो हरि का नाम लो, हरि का भजन करो, हरि की भक्ति करो। इधर उधर का चुगली निंदा करने से क्या होगा, आप जिसकी चुगली निंदा करोगे उसका सारे पाप तुम्हारे ऊपर आएगा, वो पाप सारे तुम्हारे ऊपर आएगा। इसलिए चुगली निंदा नहीं करके समय मिले तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो तो भगवान की भजन में समय को बिताओ। किंतु कृष्ण प्रेष्ट महापुरुषगण अतीर्थ के तीर्थ, वो पाप मलिन तीर्थ के तीर्थभूत करिवार तीर्थ भ्रमण लीला करें। प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन जो भक्त लोग दो तीर्थ यात्रा करते हैं, बोले क्यों जाते हैं, कहते अतीर्थ के तीर्थ, अतीर्थ के तीर्थ, अतीर्थ मतलब जो तीर्थ नहीं उसको तीर्थ करने करने। इसलिए जैसे पांडव हैं, पांडव लोगों का जो वनवास हुआ है, भक्तों का कभी वनवास हो सकता है? इसलिए कहते जब केवल अनर्थ निवृत्त हो जाता है ना, अनर्थ रुचि निष्ठा होने पर, आसक्ति होने पर उसका सारे पाप उसका नष्ट हो जाता है। कहते उसकी जितने अविद्या, उसका जितने प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, ये सब के सब नष्ट हो जाता है, हैं? जब भगवान की चरण में रुचि आसक्ति अवस्था में सब खत्म हो जाती है। लेकिन पांडव लोग तो भगवान की परिकर है, ये भगवान का परिकर है, ठाकुर का परिकर है, ये साधारण लोग नहीं है। भीम अर्जुन नकुल द्रौपदी ये कोई साधारण नहीं, लेकिन इनको 13 साल तक क्या करना पड़ा, 13 साल तक क्या हुआ, वनवास, इनका 13 साल तक वनवास हुआ। क्या तो भक्तों का कभी वनवास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन इनकी वनवास क्यों हुआ, कृष्ण की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। क्यों, भगवान जानते हैं अगर इनकी वनवास होगा तो सारा दुनिया ये भ्रमण करेंगे, और ये कृष्णा ये सबके सब मेरे भक्त है, जहाँ पर इनका चरण धूलि पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो जाएगा। केवल ये पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ये पांडवों का वनवास है, और कोई कारण नहीं। अब देखना पांडव लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, हम दक्षिण पर गए थे वहाँ पर भी पांडवों का स्थान है, हाँ, और वहाँ पर हमारे बड़ो तो उस तरफ में पांडवों का स्थान है, और जो एकचक्रा गांव में वहाँ पर भी उन्होंने बकासुर को वहाँ पर भी भीमसेन ने वहाँ पर भी मारे थे, कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं गए, जहाँ जहाँ गए उनका चरण धूलि जहाँ जहाँ पड़ा वो स्थान से पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, हैं? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वहाँ पर, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु तो जन्म कहाँ पर लिया, गंगा किनारा में पवित्र स्थान पर, लेकिन उन्होंने भक्तों को कहाँ पर जन्म दिया, बोले पांडव वर्जित स्थान, जहाँ पर पांडव लोग नहीं गए, जहाँ पर उनके चरण धूल नहीं पड़ा पांडवों को, उन्होंने वहाँ वहाँ जन्म दे दिया। बोले क्यों, बोले जहाँ पर एक भक्त जन्म लेते हैं, कहते उनकी दृष्टि से चतुर्दिक कल्याण हो जाता है, हाथ उठा करके नृत्य करने से स्वर्ग का कल्याण होता है, उनकी चरण स्पर्श पाने पर पृथ्वी धन्य हो जाती है। बोले कहार प्रभावे कोटि योजना निस्तारे,
एक भक्त जब जन्म ग्रहण करता है उसका प्रभाव से करोड़ों योजन तक कल्याण कल्याण मंगल मंगलमय हो जाता है। एक भक्त जन्म लेने का इतना कहते प्रभुपाद, कहते भक्त लोग क्यों जाते हैं तीर्थ करते हैं, क्योंकि उनका चरण जहां पर पड़ेगा ना वो स्थान भी पवित्र हो जाएगी, वो स्थान भी पवित्र हो जाएगी स्थान। और दूसरा कारण क्या बोले, तीर्थ कुर्बंती तीर्थानि शांतस्तेन गदावृतम्। कहते इसलिए वैष्णव लोग तीर्थ जाते हैं, साधारण लोग तो जाकर के पाप को धो करके आ जाते हैं। जैसे गंगा जब जगत में आना चाह रही थी बोले भैया मेरा दो समस्या है, ये दो समस्या को हल करो। बोले पहला समस्या है मैं आऊंगी कहाँ से, ब्रह्म लोग से, मेरे तेज को धारण कौन करेगा, पहला समस्या। दूसरी समस्या है जब मैं आऊंगी सार तो पाप ही आएगा ना, बोले चलो गंगा में नहा करके पाप को धो करके आओ, अरे मैं क्या करूँ, अरे मेरी क्या होगी, सब लोग तो पाप को धो करके आ जाएंगे, अरे मेरे क्या कल्याण होगी। तो बोले देखो जैसे पापी लोग भी स्नान करेंगे, वैष्णव लोग भी तो स्नान करेंगे, भक्त लोग भी तो स्नान करेंगे, इसलिए जब भक्त लोग स्नान करेंगे, भक्तों के हृदय में भगवान का निवास है, कहते भक्तों में इतने शक्ति है वो सारे तुम्हारे पाप को ग्रहण कर लेंगे, सारे पाप को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए श्री नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न माम वैष्णव पराय। इसलिए वैष्णव का हृदय में गोविंद का विश्राम, इसलिए गंगार परसहले पश्चात पावन, गंगा को स्पर्श करने से पवित्र होएंगे, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग क्यों जाते हैं तीर्थ में बोलो, क्यों जाते हैं, अरे वैष्णव लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं, कहते एक तो नंबर अतीर्थ को तीर्थ करने के लिए, और तीर्थ में जो पापी लोग सारे पाप को छोड़ करके आते हैं तीर्थ को पवित्र करने के लिए ही वैष्णव लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। इसलिए कहते तीर्थ के तीर्थभूत करार जन तीर्थ भ्रमण लीला करे, स्वानुभावानंदे प्रभु सेवा प्रमत है विप्रलम्भ रसस्य प्रभु रही अनुसंधान करे थाके। हैं कहते स्वानुभावानंदे प्रभु सेवा प्रमत होकर के, कहते भक्त लोग भगवान के प्रेम में डूबते हुए विप्रलम्भ रसस्य प्रभु रही अनुसंधान करे। इसलिए भक्त लोग इसीलिए जाते हैं, कहते हैं तीर्थ स्थान में जाकर के भगवान को हैं कहते प्रभु को दर्शन प्राप्त करने के लिए, जैसे वृंदावन में हैं, वृंदावन में भक्त लोग हमारे गोस्वामी लोग आए, छह गोस्वामी आए, देखो छह गोस्वामी आए, इसलिए आए बोले हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुन कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले, कालिंदी मन्य कुत गोसतांग मिति सर्वत्र प्रजपुरे खेदय महाविहलो वंदे रूप सनातनम रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल को। जो छह गोस्वामी थे, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, कभी गिरिराज तलेटी में, कभी यमुना किनारा में, हे राधे आप कहाँ हो, हे ब्रज देवी के आप कहाँ हो, हैं दिन रात उनकी विरह में उनको भ्रमण कर ढूंढते थे, अब कहाँ हो अब कहाँ हो अब कहाँ हो। अब कभी कभी भ्रमण करते करते कभी दर्शन भी हो जाता है, जैसे श्री सनातन गोस्वामी हैं, श्री सनातन गोस्वामी कहते रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम था चाटू पुष्पांजलि, उसका नाम जिसमें राधा रानी का श्रृंगार है, राधा रानी क्या क्या श्रृंगार धारण करती है। तब उन्होंने बड़े सुंदर ग्रंथ लिखे, लिख करके सनातन गोस्वामी को दिए, बोले भैया देखो ये ग्रंथ मैंने कैसे लिखा, बोले ग्रंथ तो बहुत बढ़िया लिखा है, राधा रानी की बड़ा सुंदर श्रृंगार वर्णन किया, लेकिन जब राधा रानी की चोटी को वर्णन किया ना, बोले बेणी ब्यालांगिनी पड़ा, राधा रानी का चोटी को उन्होंने किया उदाहरण दिया जैसे काला नागनी सांप जैसे,
बोले कहाँ राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी, राधा ठाकुरानी प्रेम स्वरूपिणी, और कोई तुमको उपमा नहीं मिला? और तुमने क्या उपमा दे दिया? राधा रानी का चोटी कैसे काला नागिनी सांप जैसे हैं, काला नागिनी, और कोई उदाहरण नहीं था? ये थोड़ा सुधर जाता तो अच्छा रहता। कहाँ सांप, कहाँ जहरीले सांप है, और राधा रानी का चोटी। बोले ठीक है भैया, मैं कोशिश करूँगा सुधारने के लिए। लेकिन रोज गिरिराज परिक्रमा करते थे, परिक्रमा करते करते जब श्री राधा कुंड में आए, क्या देखा? रिम झिम बारिश हो रही। अब बड़े सुंदर कदम का वृक्ष में झूला डाला हुआ है, और वहाँ बीच में बड़ी सुंदरी 13.5 साल की बड़ी सुंदरी एक ईश्वरी झूला में झूल रही है, और अगल बगल में कुछ सखियाँ उनको झूला रही थी। और राधा रानी का चोटी कैसे? बोले सर से लेकर पैर तक। राधा रानी का जो केस है ना, कितने लंबी है, कहते सर से लेकर के पैर तक राधा रानी की चरण की लंबी। जैसे आप लोग चोटी बनाते हैं ना, कभी कभी केस को 3-4 चोटियाँ बना देती हैं, ऐसे ही राधा रानी का 3-4 चोटी बनी हुई, अरे पीछे लटक रही हैं। राधा रानी झूला में बैठी जब झूलती हैं, ऐसे लग रहा है मानो जैसे राधा रानी के पीठ के ऊपर 3-4 काला नागनी सांप जैसे चढ़े हुए काटने के लिए। चोटी ऐसे ना काली रंग की, ऊपर मोटी नीचे पतली सांप जैसे, ऐसे लग रहा था जैसे 3-4 सांप वो लाली को पीठ के ऊपर चढ़े हुए। सनातन गोस्वामी देख करके बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है कि लाली को पीछे पीठ के ऊपर में 3-4 सांप चढ़े हुए हैं? और जो बीच में जो बैठी हुई थी कौन? राधा रानी। इतने में थोड़ी सी सनातन गोस्वामी की तरफ में देखे और थोड़ा मीठी मीठी मुस्कुराए, बस लीला खत्म। सनातन गोस्वामी बोले भैया मैंने स्वप्न देखा ना, क्या देखा है? फिर याद आया, अरे सनातन गोस्वामी जो राधा रानी की चोटी को उन्होंने काला नागिनी के साथ में बराबर दिया किया था, इसको प्रमाणित करने के लिए आज राधा रानी मुझे दर्शन दिया है। इसलिए शुद्ध भक्त क्यों तीर्थ में जाते हैं? जब उन्होंने प्रेम विहोल होकर के कहाँ राधा रानी, कहाँ पर ललिता विशाखा लीला कर रहे, और कभी कभी उनको दर्शन हो जाते, कभी कभी दर्शन मिलता, इसलिए भक्त लोग तीर्थ में जाते हैं। हो गया कि नहीं? इसलिए और एक सुन लेते, और एक उपदेश है। कहते परीक्षा जिनिष्ठा की दया। हाँ देखो, इसको अच्छे तरह से समझो, जो बहुत भक्तों का बहुत दिल में ताकत देने वाले हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप देखना भक्ति में बड़ी बड़ी परीक्षा भी आती है, आती कि नहीं? संसार में तरह तरह का दुख कष्ट समस्या हैं। कहते सत्यम सत्य न विघ्नानानी। अब सच, अगर आप सच बोलोगे ना, सौ बाधा है। सत्य सत्य न विघ्नानानी सहस्र न तथा तप। अगर आप तपस्या करोगे इसमें 1000 विघ्न। बोले विघ्न अजुते न गोविंद। अगर गोविंद की भक्ति करोगे ना, हर स्टेप स्टेप में विपत्ति है कि नहीं? देख रहे कि नहीं? भगवान की भजन करने के लिए कितना विपत्ति आती है। सारे अड़ोसी पड़ोसी परिवार सबके सब हमसे अलग हो जाते हैं। बोले इनके घर में जाने से प्याज लहसुन खाना नहीं मिलेगा हैं? इनके घर में जाना क्या है? प्याज लहसुन ही नहीं खाते और एकादशी करते, और क्या लंबी लंबी तिलक गले में कंठी सब क्या लगाते रहते हैं? इसलिए सारा दुनिया कभी कभी विरोध हो जाते हैं भक्ति करने वाले। इसलिए प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है, कहते परीक्षा जिनिष्ठा की दया। ये जो भक्ति करने के लिए जो आए, जो ये परीक्षा है, क्या ये दया है? हाँ देखो प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं, ये चीज को हृदय में धारण कर। प्रभुपाद उत्तर देते हैं, छात्रगण के उन्नत श्रेणी से नीच जावार जन्य शिक्षक गण कृपा करे परीक्षा व्यवस्था करे। उदाहरण दिया, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में परीक्षा होता है कि नहीं? टेस्ट होता है कि नहीं? क्यों ये परीक्षा होता है? इसलिए क्योंकि छात्र को एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पंचम क्लास, और एक दिन तुमको पीएचडी
डॉक्टर इंजीनियर बना देता है, बना देता है कि नहीं? अगर ये परीक्षा नहीं होता तो कभी आप इतना दूर तक पढ़ सकते हो? आप बताओ, कभी इतने दूर तक पढ़ सकते हो? नहीं। तो जैसे स्कूल में बच्चों को उच्च क्लास में ले जाने के लिए ही ये परीक्षा होता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी भगवान कहाँ ले जाने के लिए? गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए परीक्षा देते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, आप देखा ये लोहार, लोहार क्या बोलते हैं, लोहार, अब देखे वो कैसे अस्त्र बनाता है, आग में देगा, जब एकदम लाल बन जाएगा ना, निकालेगा और हथौड़ी मारेगा, देखे कि नहीं, तो मारते मारते जिसमें खाद निकालेगा, फिर क्या करेगा, फिर पानी में देगा, पानी में देगा, ठंडा कर देगा, फिर कहाँ देगा, फिर आग में देगा, जब फिर एकदम लाल बन जाएगा फिर निकालेगा, फिर हथौड़ी मारेगा, मारते मारते मारते